हेलो एंड वेलकम। मैं अमरदीप आज आपके लिए एक फर्निश्ड अपार्टमेंट लेके आया हूँ। सो ये फर्निश्ड अपार्टमेंट मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो भी इस फ्लैट में वाइट गुड्स देखेंगे वो सब के सब पोजीशन पे आपको मिलेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। ये जो आप डाइनिंग स्पेस देख रहे हैं, डाइनिंग टेबल देख रहे हैं, साथ ही साथ आप जो ये चेयर्स देख रहे हैं, चाहे वो सोफ़ा हो, चाहे वो टीवी यूनिट हो, चाहे वो सेंटर टेबल हो या टी टेबल, सब पोजीशन के टाइम आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक बालकनी भी है जो कि आप पोजीशन के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि साइज़ है 2.5 फीट की, जो कि काफ़ी बड़ी साइज़ होती है क्योंकि एक चेयर आराम से बैठ सकता है। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये एज इट इज़ ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। एंड जैसे ही हम चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ, तो वो वॉशरूम में आप देख सकते हैं जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है काफ़ी स्पेशियस है। एंड साथ ही साथ आप जो भी फिटिंग, जैसे जैगवार की फिटिंग हो, चाहे आपकी गीज़र हो, चाहे वॉश बेसिन हो, टॉयलेट सीट हो, एज इट इज़ रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं इसमें। एवरीथिंग भी विल बी एज इट इज़। चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन की तरफ जैसे ही हम एंटर करने जा रहे हैं आपको दिख सकता है पैरेलल प्लेटफॉर्म। हर आदमी का अपना अपना चॉइस होता है, तो इसलिए हमने भी चॉइस के लिए बता दूँ तो अगर किसी को एल शेप का भी किचन चाहिए वो भी अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ मैं बता दूँ तो यहाँ पे भी आपको जो भी प्लेटफॉर्म के नीचे दिखाया गया ट्रॉली, किचन ट्रॉली के साथ साथ हर एक चीज़, ये आपका पोजीशन का पार्ट होगा जो आपको पोजीशन के टाइम पे मिलने वाला है। सो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस है, कहीं भी कटौती नहीं की गई है, सो दैट आपको अच्छा खासा स्पेस मिले। ये आपका सर्विस प्लेटफॉर्म आ गया। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए भी अलग से जगह दी गई है। वॉल टू सीलिंग हाइट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, सो आपको उसी हिसाब से यूज़ करने के लिए भी अच्छा होगा। आपको बता दूं तो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज से 3 साल में इसका पोजीशन है। आप ये देख सकते हैं एग्जॉस्ट वगैरह सब आपके पोजीशन का पार्ट होने वाला है। ये मैं आपको बता दूं एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप जैसा प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसमें आपको 100+ लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ मिलेगी, चाहे वो स्विमिंग पूल से लेके क्लब हाउस की बात हो, चाहे वो स्टार गेजिंग हो, चाहे वो आपका जूस बार हो, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट। ये देखिए हम ये मास्टर बेडरूम में आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा बेड रखने के बाद साथ साथ फुल हाइट का आपको वार्डरोब मिलेगा, जो कि आजकल आपको इतना बड़ा वार्डरोब तो मुश्किल ही है, मिलना भी और बनवाना भी दोनों ही। ये भी आपके पोजीशन का पार्ट रहने वाला है। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े डोर के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका पोजीशन में आपको जब ये ऐसा मिलेगा तो उसी हिसाब से आप ये आप देख सकते हैं। सेम जैसा मैंने बताया था लिविंग रूम में, वैसा ही आपके बेडरूम में भी 2.5 फीट का आगे स्पेस है जो कि आप आगे कवर कर सकते हो। ये आप एज अ बालकनी भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको रेरा कारपेट के साथ साथ एडिशनल 50 square feet का जगह हो जाता है, जो कि आपको नॉन चार्जेबल है। ये पूरा ही स्पेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारे दिखाए गए वीडियोस पसंद आते हो तो
प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे इसी तरीके से नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।